असलम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब दिस इज़ अवर सोशल स्टडीज़ लेक्चर्स लेक्चर फॉर क्लास वन सो ओपन योर बु टेक्स्ट बुक पेज नंबर थ्री फर्स्ट टू पेजेस की हम लोग रीडिंग कर चुके हैं लास्ट टू लेक्चर्स में आज हम करेंगे पेज नंबर थ्री की जो है रीडिंग सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर थ्री लेट स्टार्ट रीडिंग यूनिट नंबर वन अबाउट मी चैप्टर नंबर टू माई फैमिली क्लोज फैमिली मेंबर्स क्लोज को हाईलाइट करें इसका मायने है करीबी अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स मदर फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल हेयर इज असत्स फैमिली हिज फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर असद फादर इज एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट को हाईलाइट करें इसका मायने है नक्शे बनाने वाला ही डिज़ाइंस बिल्डिंग असद मदर इज़ अ हाउस वाइफ शी लुक्स आफ्टर द हाउस एंड द फैमिली सारा इज़ असज सिस्टर शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट शी लैस टू ईट आइसक्रीम हिज ब्रदर्स नेम इज़ अली ही इज़ फोर ईयर्स ओल्ड ही इज इन नर्सरी क्लास ही लाइक्स टू प्ले विद ब्लॉग्स आज की रीडिंग हमारी सिर्फ इसी पेज की है यहाँ पर आप डेट मैंशन करें आज के टॉपिक में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा जैसे कि आप सबको भी पता है कि हमारे घर पे हमारी मदर फादर हमारे सिस्टर ब्रदर्स होते हैं इसके अलावा हमारे अंकल आंट हमारे जो है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी होते हैं लेकिन आज हमने पढ़ा क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स जो बहुत हमारे करीबी होते हैं यानी कि हमारे इमीडिएट फैमिली का मतलब होता है क्लोज़ फैमिली का मतलब होता है कि जो आपके बहुत करीबी रिलेशनस होते हैं जैसे कि आपके मदर आपके फादर आपके ब्रदर्स और आपकी सिस्टर्स इसको हम क्लोज फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं और इसको हम इमीडिएट फैमिली भी कहते हैं अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर फैमिली बेसिकली कहते किसको हैं फैमिली अ ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं लोगों के उस ग्रुप को कहते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं ठीक है और वैसे भी बहुत सी फैमिली टाइप्स uh, होती हैं कुछ बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं कुछ बहुत छोटी फैमिलीज होती हैं तो हर घर में जो है वो फैमिलीज डिफरेंट हो सकती हैं जैसे अगर आप देखें कि सपोज़ अगर मैं हूँ मेरे टू ब्रदर्स और वन सिस्टर है तो इसी तरह अगर किसी आप दूसरे पर्सन को ले लें उसकी वन सिस्टर और वन ब्रदर भी हो सकता है इसी तरह किसी की फ़ैमिली जो है वो छोटी होती है और किसी की फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होती है यहाँ पे हम फैमिली जो है असद की फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर उन्होंने असद की फैमिली दिखाई है कि हेयर इज़ असद फैमिली हिज मदर फ़ादर हिज ब्रदर एंड हिज़ सिस्टर इस फादर इज़ एन आर्किटेक्ट उसके जो फादर हैं वो आ, आ, आर्किटेक्ट है और वो जो हैं बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं इसद की जो मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं और वह घर का और अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं ख्याल रखती हैं और जो सारा आ, है वो असद की सिस्टर है और वो एक बहुत ही शाइनिंग uh, जो है वो चाइल्ड है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है और जो सा उसका असद का ब्रदर है उसका नाम अली है और वो अभी सिर्फ फोर इयर्स ओल्ड है और वो नर्सरी क्लास में पढ़ता है और उसको ब्लॉक्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है तो ये हमारी रीडिंग जो है आज यहीं पे कंप्लीट हुई अब आप सब जो हैं वो अपनी एसएसटी की वर्क बुक खोलेंगे वर्कबुक के फर्स्ट थ्री पेजेस जो हैं वो लास्ट आप लोग जो है वो होमवर्क कर चुके हैं अब जो है आप इसका पेज नंबर फोर एंड फाइव जो है वो अपना इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे जो है पेज नंबर फोर पे आपने अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है और इस होम में कलर करना है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है और इसको कलर करना है और यहाँ पे फैमिलीज़ वाला पेज है यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर फादर ग्रैंड मदर यानी कि नाना नानी और दादा दादी फादर मदर ब्रदर आपकी और आपकी सिस्टर की यहाँ पे सबकी पिक्चर्स जो हैं वो आपने पेस्ट करनी है तो ये आपका होमवर्क है इन दो पेजेस का प्लस आपकी पेज नंबर थ्री की रीडिंग है इसको ध्यान से करिएगा और जो मीनिंग्स मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं उसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़